जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी में। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़े कोलैबोरेशन शूट करने थे। अभी आप देख सकते हैं जो मैंने साड़ी पहनी है वो भी कोलैबोरेशन की ही है। तो ये सारे शूट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा घर से ही रेडी होके निकलती हूँ, फिर वहाँ से शूट करके वो आपको दिखाएंगे वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं हम शूट करने के लिए। एक्चुअली आपको पता भी है हम लोग यहाँ फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है मांदली में, वहाँ जा रहे हैं। और एक्चुअली मैं ऐसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल खुल गए हैं, मैंने ये लगाया था जूड़ा पिन लगाई थी ना, जूड़ा स्टिक लगाई थी, तो वो खुल गए मेरे बाल। तो अभी जाते हैं वहाँ शूट करते फिर वापस आते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने तो शादियों में जाना है, शादियाँ हैं दो तीन अभी आजकल, आपको पता ही है। एक्चुअली कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, साथ में थोड़े से बिजी भी चल रहे थे, तो उस वजह से ये शूट वगैरह या व्लॉग्स वगैरह नहीं आ पाए इतने रेगुलर। तो अभी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मेरी हेल्थ जरा मेरे साथ नहीं देती है, तो इसीलिए इशू है। और ये अब तो डेडलाइंस क्रॉस हो गई है इनकी, जिनके ये कोलैबोरेशन के जो ड्रेसेस वगैरह हैं, तो इसलिए आज तो जाना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए अभी जा रहे हैं। तो शाम को शादी में निकलना है इन्होंने, तो इसलिए हमने सोचा कि आज ही कर लेते हैं। चलो अब डायरेक्ट ही वहीं मिलेंगे। हम जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी। उस दिन ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, अगर आपको मेरी शक्ल से भी लग गया होगा, तो आज देखो मैं फ्रेश हूँ एकदम, मतलब कंपैरेटिवली। चाचू से हमने ना पेटी मंगाई थी सेफ की, तो चाचू आए हैं थार में छोड़ने के लिए। अभी गाड़ी में बैठ के वही देखते हैं कि कैसा फील होता है। तो हम लोग पहुंच भी गए हैं यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मांदली में। इसी के साथ ना यहाँ पे चंचल कैंप्स एंड रिजॉर्ट्स है। हाँ हाँ जी, तो मैं दिखाती हूँ आपको उस तरफ को भी एक बार। जो परे वाली साइड है मतलब इस दीवार के उस तरफ है चंचल कैंप्स एंड रिजॉर्ट्स। इनके ओनर वहाँ खड़े हुए हैं, चुपके से उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और इस तरफ को है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जहाँ हम लोग आज आए हैं। ये है खजाना, खजाना क्या इसमें खजाने का पिटारा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ज्वेलरी फॉर सेल है। बोल रही है ये वाली बोली थी नहीं? हाँ ये अच्छी है ये वाली। तो फिर ऐसा ना जो कोई डार्क चीज़ पहनोगे ना, तो जो दूसरे वाली है उसके साथ पहनना है। थोड़ा थोड़ा थोड़ आइडिया तो वही गया मेरे को भाई। अब तो होना ही चाहिए, तो आदत डाल दो। तो गाइस अभी मैंने साड़ी बदल दी है, अब हम किस साड़ी में शूट करेंगे आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी। मैं बाहर दिखाऊंगी एक्चुअली, यहाँ ना स्पेस का थोड़ा सा इशू है, तो मतलब इधर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस जगह पर, तो मैं बाहर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो दिस इज़ द थर्ड आउटफिट, अब मैंने तीसरा आउटफिट पहना है। और ये एक गाउन है, कहाँ से ये सब कुछ आपको मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर डालती हूँ कि मैंने कहाँ से ये मंगवाया, ये कहाँ से आया है, तो वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। फिलहाल बैठते हैं, नहीं बैठना क्या है, हमने उधर वाले में जाना है। अब हम चांशल कैंप्स एंड रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं। तो अभी हम चांशल कैंप्स एंड रिजॉर्ट्स में बैठे हैं क्योंकि वहाँ से भूख लग गई है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, स्टे करने के रूम्स भी हैं यहाँ पे। तो ये तो हमें मतलब कोई वो नहीं है, कोलैबोरेशन या ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि हम भी खुद वहाँ से घर आएंगे खाना खाने। तो पीछे तो भी डेकोरेशन शायद कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हुई उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन शायद, तो उसके लिए सजा होगा हम भी नहीं पता। तो अभी यहाँ पे जो ओनर थे ना वो भी थे थोड़े पहले, मैंने इनको दिखाया भी ये वीडियो में, पर वो अब नहीं है शायद, यहाँ मुझे चले गए होंगे। तो अब हम बैठे हैं खाते हैं कुछ, उसके बाद अभी शूट थोड़ा सा और बाकी है, लास्ट आउटफिट है जिसमें शूट करना है, तो उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। मैं जबरदस्ती लाया हूँ यहाँ पे क्योंकि ये मेरे को बाहर का खाने में देती है। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, वो बुरी बात है। पेट पूजा तो होगी, बट ऐसे स्लो स्लो खा रहे थे ना, बच गया सारा। हमें डिस्काउंट मिला है, खुशी हुई, मेरे से एक रुपए बच गया, बहुत खुशी होती है। ये तो अपने नहीं होता है कभी।
अच्छा यहाँ का खाना अच्छा लगा? हाँ चाइनीज़ हमने, वैसे हमने चाइनीज़ खाया, फ्राइड राइस और मंचूरियन, है ना? है ना क्या आपको नहीं पता? यार कुछ भी देखो, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, आपको व्यू दिखाता हूँ मैं ना यहाँ का। तो ये चांचल कैंप सैंड रिजॉर्ट में हमारे, तो यहाँ पे ना ये कॉटेजेस बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं और घाघरा और कुछ तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, मतलब पार्किंग आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके आ सकते हो, बिल्कुल रोड हेड पे है ये, मतलब लोकेशन आपको पता लग जाएगी, गूगल पे डालना है आपको चांचल कैंप्स एंड रिजॉर्ट, ठीक है। स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, हाँ ले, हाँ भाई हाँ, अब तो नहीं है, अब तो टाइम निकल गया इसका, बट स्ट्रॉबेरी है मेरे को इतना याद है। ये जो होती है ना बेल, ये आगे से आगे निकलती है, देखो फिर ये जड़ निकलती है इसमें, फिर ये ऐसे लग जाएगी कहीं। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चे भी यहाँ पे खेल सकते हैं ना, क्यों? कितना मस्त है ना यहाँ पे, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है बट आजकल खाली है ये। तो यहाँ पे भी रेस्टोरेंट वाला स्पेस है, अगर आपको जैसे नदी के किनारे मतलब बैठ के अगर कुछ खाना है ना, तो आप यहाँ पे बैठ के भी इंजॉय कर सकते हो अपना फूड। बाकी उस साइड जिस साइड हमने खाया ना, उस साइड तो है ही है वो, इससे पहले जो हमने शूट किया ना वो किया था वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वो जो सामने आप देख पा रहे हो, आपने बता दिया फिलहाल, पापा को लेने जाना है। अभी प्रॉपर्टी कैसी लगी आपको? प्रॉपर्टी का बहुत सही है, मैं पहले भी आई हूँ तो मैं अभी ऐसे क्या ही बोलूँ इसमें, क्योंकि मुझे तो पहले से ही, मैंने पिछली बार भी इनको बोला था कि बहुत सही प्रॉपर्टी। मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये पत्थरों की वो चिनाई करी है ना, ये सारा बहुत सही है, और प्लस ये जो स्लेट देख रहे हो ना आप ऊपर छत पे, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है ना, क्योंकि आज के टाइम में तो अब चेंज ही कर दिया, चादर के छत लगाते हैं लोग। ये भी देख सकते हैं, ये भी, ये वाली दीवार देख लो, ये भी पत्थर की है। हम पापा को लेने के लिए आए हैं, पापा देखने रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आगे चली जा रहा है, बोला गाड़ी मोड़ के आता हूं है ना, बैठो बैठो आगे, यहीं आगे गाड़ी नहीं है, एक बस नहीं है, आप पैदल क्यों चल रहे, रुक जाते कहीं बीच में, क्या करूँ टाइम तो काफी है, अच्छा इसके लिए ये चढ़ने के लिए, पापा को पसंद नहीं था ना जिप्सी में, ये हैंडल ही नहीं थे, आ जाने पता नहीं, आ तो पता नहीं, गाड़ी नहीं है आज, अरे कुकुर बोले मैं भागा, भूख लग गई, खाया नहीं, मुंह में फारी है, भूख लग गया, नहीं अब तो वैसे ही देखो, ऐसे करते करते यहाँ उंगली चली गई थी, लाइट नहीं है वैसे यहाँ पे,
मेरी आंखें थी भगवान। मस्त लग रहे दीदी आप। देखो जी मैंने मेकअप कर लिया है दीदी का, इतना ही आता है इधर। मस्त लग रहे हो आप, पर बहुत सही लग रहे हो। थैंक यू। पता अगर आपको कुछ करना ही होगा, अगर बांधने होंगे ना, बांध सकते हो आप, ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अरे मुड़ो जाओ बे। ओ बाय बाय बलूनो बलूनो।